वेलकम बैक नाजीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और हमारे साथ आज मौजूद हैं साइमा कलीम खान, बहुत मशहूर कराची की न्यूट्रिशनिस्ट, जो हम आपके सारे सवालों के जवाब आप दे रहे हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत अहम सवाल था मिसेज रफीक का, जिनकी नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम थी, उस पर थोड़ा सा साइमा कुछ बताना चाहेंगी, कुछ डिटेल बताना चाहेंगी। और साथ ही हम इस रेसिपी में टमेटो प्यूरी शामिल कर देते हैं। अभी हमने प्याज और साबुत जीरा और इसमें हमने अदरक शामिल किया। अब हम इसमें ये दो टमाटरों की पेस्ट शामिल कर देते हैं और साथ ही इसमें छिलका रिमूव करके आप दो टमाटरों को ब्लेंड कर लीजिए। साथ ही हमने लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और साथ आधा टीस्पून आमचूर पाउडर। और नाज़िम थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें मटर शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी, ताकि मटर अच्छी तरह नरम हो जाए। अच्छा जी साइमा, बताइए डॉक्टर मिसेस रफीक का मसला फटाफट। मिसेस रफीक का मुझे जो समझ में आया, क्योंकि इन्होंने कंसल्ट किया डॉक्टर से, उन्होंने कहा नर्व्स पेन का, तो योगा तो ऐसी चीज है कि जो नॉर्मल आप अगर पेशेंट कोई है तो उसको भी कवर कर लेता है ना, बहुत रिलैक्स फील होता है। तो उसके अंदर ये किया, तो मैं उनको यही ओपिनियन दूंगी कि सेकंड ओपिनियन अगर वो ले लें तो उनको ज्यादा बेहतर मशवरा मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक आई एग्री विद दैट, बिल्कुल हाँ। तो इस चीज से ये उनको कंफर्म हो जाएगा कि आया कोई प्रॉब्लम अगर इंटरनली है तो वो उनके सामने फिर आ जाएगी ना, वो फिर इजिली फिर योगा सेकंड ओपिनियन बहुत जरूरी है। क्योंकि एक अगर डॉक्टर कह रहा है कि सर्जरी करें और आप देख सकते हैं कि दूसरा डॉक्टर क्या कह रहा है, बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि मशवरा से काफी मसले हल हो जाते हैं, तो मशवरा करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, स्पेशली इस मामले में जहाँ पे आप हेल्थ की और इन सब चीजों की बात, तो बहुत जरूरी चीज है। और मैं यही बता रही थी कि ज्यादातर अब दुनिया भर में बैक की जो सर्जरी वगैरह, अब वो डॉक्टर्स कहते हैं कि हम सर्जरी के बगैर उसको क्योर करना और चाहते वो एक्सरसाइज के टेक्सचर आप जो है वो यूज करें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत हो सकती है। हम लेंगे यहाँ पे जी एक कॉल, कौन है हमारे साथ? सलाम अलैकुम। हेलो, सलाम अलैकुम जी, कौन बोल रहे हैं जी? मैं शकील बात कर रही हूँ कराची से। जी मिस्टर शकील, कैसी हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र, आमना आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। मिसेस शकील, जरा साइमा सलीम से बात जी, बिल्कुल कहिए जी, कहिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, सारी आवाज कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाइए। हाँ बस मुझे ब्लड प्रेशर का पता करना था कि जिन लोगों को एकदम से बीपी शूट कर जाता है तो उसमें पानी का लेवल क्या रखना चाहिए 24 आवर्स के अंदर अंदर? उसके अंदर ये है कि आप पानी का इंटेक ज्यादा रखें, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। कौन बात कर रही है? आमना शकील बात कर रही है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वॉक भी कीजिए, ठीक है ना, लेकिन बहुत नॉर्मली उसके साथ आप वॉक करें, बहुत ज्यादा फास्ट ना करें ना, ठीक है। और सेकेंड आई थिंक इनकी कॉल ड्रॉप हो गई, मैं इनको ऑन ईयर जवाब दे देती हूं। तो मेन चीज उन्होंने बहुत अच्छी बल्कि बात बोली है कि पानी का इंटेक जो आजकल जो सीजन है इसमें हमारा बहुत स्लो हो जाता है, जाता है, लेकिन हमें बरकरार रखना है। और जब तक आपका ये पानी का इंटेक सही रहेगा, मतलब उस तरीके से आप लेवल से लेंगे अपने बॉडी के हिसाब से, तो नॉर्मली 8 या 10 ग्लास आपको जरूरी है, जरूरी है एग्जैक्टली, तो उससे आपका बीपी भी जो कंट्रोल में रहेगा ना। नहीं लेकिन उनका एक और भी सवाल था कि पानी को कैसे स्पेशली ठंडे मौसम में बल्कि हाँ ये आपने बहुत अच्छी आमना मुझे पॉइंट आउट किया बात को, कि नीम गर्म पानी जो है ना वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, मतलब बहुत सादा पानी, सिंपली फॉर्म में, तो हाँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे भी बीपी आपका कंट्रोल में रहता है। और बहुत ठंडा ठंडा पानी लेकर पी लेना वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो आजकल नॉर्मली देखने में। बेसिकली ये जो कूलर से पानी है ये नहीं, ये लेकिन आजकल तो हर घर में माशाल्लाह से मौजूद है कि दोनों मौजूद है उसके अंदर ना, तो वो ठंडा गरम मिक्स करें, क्वांटिटी करें कि हाफ ग्लास आपने ठंडा ले लिया। वैसे बहुत सी रिसर्च एक की गई है लोकली यहाँ पे कि ठंड के मौसम में स्पेशली नवंबर से लेके मार्च तक, कराची में तो खैर मार्च में गर्मी हो जाती है लेकिन लाहौर में रहती है ठंड थोड़ी भी, लेकिन वहाँ पे कह रहे हैं कि मटके में अगर आप रखते हैं बिल्कुल ये उससे अच्छा देसी पानी जिसे कहा जाता है ना, उससे अच्छी चीज हो नहीं सकती। उसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी है, ठीक है, वो आपको एक कहते हैं ना कि स्मेल अगर आपको अच्छी लगती है किसी भी चीज की तो वो इनहेल करने में भी अच्छा लगता है ना, राइट।
और फिर जब आप यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा, आपके स्टमक में भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। तो बेसिकली ये भी एक देसी चीज़ है जो हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, क्योंकि हम इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से और सब ये जो आजकल इतनी ब्लेंडर्स भी आ गए हैं और हैंड ब्लेंडर्स भी, इसकी रीज़न ही है हम ना तमाम बीमारियों की। मैं तो ये कहती हूँ कि ब्लेंडर्स जो है ना, जो बंदे आर्टिफिशियल हो गए हम सभी वन टू ऑल, बिल्कुल उसमें हमने वर्कआउट करना छोड़ दिया। बिल्कुल, अपना जो पुराना सिस्टम था जो हमारे पेरेंट्स और नानी और दादियों के ज़माने का, वही हमें थोड़ा सा रखना चाहिए। और आपको ये पता है कि अब तो माइक्रोवेव से भी लोग बहुत रिसर्च आ रही है कि आप अपने घर से माइक्रोवेव, उसकी रेज जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो कोशिश करें कि चूल्हे पे आप गर्म कीजिए जो भी आपको गर्म करना है। और ख़ास करके लोग पॉपकॉर्न बनाते हैं माइक्रोवेव में, पॉपकॉर्न बनाने का तरीका हम आपको बताएंगे। चूल्हे पे माइक्रोवेव को खुदाफिज़। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल इंजीनियर से बहुत ज़्यादा इंजीनियर, बहुत डेंजरस है फॉर हेल्थ। और हम रियलाइज नहीं कर रहे, और कंपनीज जो बड़ी बड़ी जो ये बना रही हैं वो मिनी किचन दे दिया ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज दे, और वो हमें बता नहीं रहे, मतलब वो हमें कैंपेन नहीं करने दे रहे, बताने नहीं दे रहे कि जी कितना ख़राब है, क्योंकि उनके मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, इतने सारे इश्यूज हैं नाजी। लेकिन हम आपको सब चीज़ सही सही बताएंगे, बिकॉज आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें बहुत ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो नाजीन अभी हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, डोंट गो अवे, स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक।